बात सुनिए, इतना ताल ठोक के जो आज यहाँ पर सारी बातें कर रहे हैं ना, मैं बोलने दूंगी। आपका जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे रहा हूँ, आप तो किसी से खौफ नहीं खाते ना, इसी हरे कुर्ते में जाइए कांग्रेस दफ्तर में और उनको बोलिए कि सैम पित्रोदा को निकाल कर बाहर फेंकिए। अरे जवाब तो लीजिए, इतना काहे को परेशान, आप जवाब ले लीजिए, आप लगता आप परेशान ज्यादा होगी, जवाब ले लीजिए। बीजेपी का जवाब है, सवाल ये है महिलाओं पे घसीटी गई थी, आरोप किसके ऊपर लगा था, किस पे आरोप लगा था, तो क्या बीजेपी कहेगी कि मैं शामिल थी उसके अंदर, बीजेपी शामिल था, बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ था, बोले बीएचयू घटना हुई थी, बोले बीजेपी वाले हम शामिल थे, बोले जिस घटना मणिपुर में हुई महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, बोले बीजेपी वाले शामिल थे। कमाल की बात कर रहे हैं आप, अब ये कहेंगे नहीं 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 ये घटना से मुझे बिल्कुल प्रेसिडेंट बोल रहा है, यस किसी का हाँ, तो ऐसा ऐसा करते हैं, फिर चिल्ला पड़े हैं, आप मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं तो इत्मीनान से बात कर रही हूँ, आप सैम पित्रोदा को क्यों बचा रहे हैं, आप बीजेपी को, सैम पित्रोदा जी कौन सा फूफा लग रहा है इंडिया गठबंधन का, मुझे बताइए काहे आपको बचाने की जरूरत है, कहिए ना कि सैम पित्रोदा जैसे आदमी का इस चुनाव में कोई जगह उसकी नहीं होनी चाहिए, निकाल फेंकिए बाहर पद से, कौन रोक रहा है आपको, बनाइए ना जी, इतना क्यों चिल्लाते हैं, सब समझ रहे हैं रुपया जी आप क्या कहना चाह रही हैं, देश जान रहा है रुपया जी क्यों चिल्ला रहे हैं आप, पूरा मीडिया एक्सपोज है, जान रहा है बीजेपी एक्सपोज है, क्यों चिल्ला रहे हैं आप, सैम पित्रोदा की बात कीजिए मीडिया एक्सपोज हो जाता है, जबरदस्ती यार मुझे बोलने दीजिए, कमाल की बात कर रहे हैं, भारतीयता पर सवाल उठा रहा है, भारतीयों पर सवाल उठा रहा है, कोई मीडिया देखिए एक्सपोज मीडिया, अरे आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, आप चिल्लाने नहीं देंगे, चिल्लाइए, डिवाइड एंड रूल वाले आपके इस एजेंडा पर आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, वाजपेयी जी आपका हो गया तो मैं बोल लूं, आपका हो गया तो मैं बोल, मैंने मौका दिया सर आपको, हो गया तो बोल लूं, देखिए आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं, क्यों आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं, बीच में इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक्सपोज होती है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अभी हम लखीमपुर घटना बताएंगे कि जिसको रौंदा गया था ना चार किसानों के, उसी के पिताजी को आप यहाँ मेंबर पार्लियामेंट का टिकट जीता, आपने टिकट दिया है तो मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी रौंदने वालों के साथ खड़ी है, मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के साथ खड़ी है, मान लीजिए आप, और चिल्लाइए टीवी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के साथ अन्याय करती है उनको टिकट देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, चिल्लाइए आप, हिम्मत नहीं होगी रूपिका जी चिल्लाने की, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है, हिम्मत कहां से होगी चिल्लाने की, बताइए आप, पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ तो आपने हम सबके कान के पर्दे फाड़ दिए, हो गया, अब सुन लिया आपको, आपको जितना